नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्रीकल्चर यूट्यूब की एक और नई इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मट्रैक 45 एपीआई मॉडल के बारे में, जो कि 50 हॉर्सपावर श्रेणी में यह ट्रैक्टर आता है। जो कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि 50 हॉर्सपावर श्रेणी का यह ट्रैक्टर है। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि आप सभी किसान भाइयों को कैसी लगे हमें एक प्यारा सा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही किसान भाई इंडियन एग्रीकल्चर परिवार पर भी नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियोज आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ फार्मट्रैक की लोगो लगी हुई आती है उभरे हुए वर्ड में, यानी कि काफी स्टाइलिश ये लुक लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फार्मट्रैक इसमें लिखा हुआ आता है। नीचे पावर मैक्स की सील लगी हुई आती है और यहाँ पे काफी स्टाइलिश डिजाइनिंग के साथ में 45 लिखा हुआ आता है। जैसा कि फार्मट्रैक के किसी भी ट्रैक्टर में अगर 60 HP का है तो वहाँ 60 HP लिखा आएगा, 45 है तो 45, 55 है तो 55। अब बात करते हैं फ्रंट लुक की। फ्रंट लुक में आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी हेवी बम्पर दिया हुआ है, यानी कि कहीं ट्रैक्टर किसी से टकराए भी सही तो आसानी से बम्पर टूटे ना। काफी हेवी है, नॉन बोल्टेबल बोल्ट है, यहाँ पे कोई बोल्ट सिस्टम नहीं है। ट्रैक्टर को आप टो करवाना चाहते हैं, यानी कि ट्रैक्टर के आगे किसी और ट्रैक्टर को जोड़ना चाहते हैं या टोचन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। पिन सिस्टम्स यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस काफी शानदार है। एक्सल की अगर हम बात करें तो आप एक्सल को इधर से उधर खिसका सकते हैं, क्योंकि इसमें बोल्ट टाइप सिस्टम्स आता है, जिससे कि आप एक्सल को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट टायर की। तो इसमें 6, 5, 16 के फ्रंट टायर आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड होते हैं, लेकिन ये जो टायर है अन्य डिस्क के मुकाबले फ्लैट डिस्क में टायर आपको प्रोवाइड होते हैं, जिससे कि इस ट्रैक्टर की लुकिंग काफ़ी शानदार हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें इस साइड की, तो इस ट्रैक्टर में ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आप सभी किसान भाइयों को मिलती है। फार्मट्रैक का ऑयल फिल्टर इस साइड में आपको देखने को मिलता है। हॉट का सप्रेशर यहाँ पे लगा हुआ आता है, जो कि ट्रैक्टर में लगभग अभी सभी कंपनियों के ट्रैक्टर सप्रेशर लगा के दे रहे हैं। इस साइड में ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है। क्लासिक प्रो की सील देखने को मिलती है। फार्मट्रैक EPI वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलता है। इस साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डीजल टैंक की जो ढक्कन है वो साइड में मिल जाता है, जैसे कि आप केन वगैरह से जब डीजल डालते हैं तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे पेडल पे खड़े होकर आसानी से इस ट्रैक्टर में डीजल को इंस्टॉल कर सकते हैं या डीजल को डाल सकते हैं। वहीं अगर अब हम बात करते हैं किसान भाइयों इंजन के बारे में, तो इसमें 4344 CC का इंजन आपको मिलता है, जो कि फार्मट्रैक कंपनी का ही आता है। अब इधर की साइड की अगर हम बात करें तो इस साइड में भी फार्मट्रैक 45 EPI मिला हुआ लिखता है। पावर मैक्स की सील यहाँ पे मिलती है। बोस्को का इनलाइन पंप 3 सिलेंडर इंजन के साथ यह ट्रैक्टर आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड होता है। वहीं अगर हम इसके इस साइड में बात करें तो यहाँ पर डीजल फिल्टर साइड में ही मिल जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टूल बॉक्स में थोड़ी सी एक कमी इस ट्रैक्टर में देखने को मिलती है, वो है बैटरी बॉक्स की। तो इसका बैटरी बॉक्स काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस से नीचे है, इससे क्या है कि कहीं आड़े टेढ़े रास्तों में बैटरी के टकराने के चांस होते हैं, तो लेकिन बैटरी बॉक्स भी इसमें सेपरेटली और साइड में देखने को मिलता है। फ्रंट की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, इसमें ऑयल बाथ फिल्टर आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिल्टर ऑयल बाथ मिलता है। रेडिएटर काफ़ी बड़ा इसमें डिज़ाइन किया गया है आगे की ओर, रेडिएटर आप लोग देख सकते हैं। रेडिएटर के यहाँ के जो फ्रंट की जो जाली भी है अभी काफ़ी बारीक है, तो डस्ट अंदर जाने नहीं देती। उसी के बाद में किसान भाइयों, एकमात्र भारत का एक ऐसा ट्रैक्टर है कि अगर किसान को किसी भी तरीके की समस्या का सामना करना पड़े तो यहाँ पे इस ट्रैक्टर में GPS सिस्टम्स लगा हुआ मिलता है। पहला ऐसा ट्रैक्टर है, यहाँ पे बटन है, आप अगर ट्रैक्टर में कोई मिस्टेक होती है तो इस बटन को पुश करके रखें, डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं कॉल हो सकता है। इससे बटन दबाने के बाद में डायरेक्टली आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कॉल कर सकते हैं, यानी कि आपकी किसी भी समस्या का समाधान आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं बटन दबाने के बाद में यहाँ पे वो डायरेक्टली ये ऑन हो जाता है। सारे फ्यूज सिस्टम इस ट्रैक्टर में यहाँ पर आप सभी किसान भाइयों को प्रोवाइड होते हैं। इस साइड की अगर हम बात करें तो स्टायरिंग पंप का सिस्टम्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है। कूलेंट कूल सिस्टम यहाँ पे आपको मिलता है। पूरे सिस्टम्स आपको इंजन में भीतर की ओर ही फिट करके इन्होंने सेपरेटली डिज़ाइन कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कॉल लग गया है, देख सकते हैं यहाँ से कॉल लग चुका है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मोबाइल में भी ये इंस्टॉल हो सकता है। अब इस साइड की अगर हम बात करें तो पुश टाइप के क्लच ब्रेक आप सभी किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर में प्रोवाइड होते हैं। OIB ब्रेक्स इसमें प्रोवाइड होते हैं। यहाँ पे 50 HP की सील लगी हुई यहाँ पे आपको प्रोवाइड होती है और LED इंडिकेटर्स प्रोवाइड होते हैं, जहाँ पे LED में आपको 12 LED लाइट्स इसमें मिलती है। उसी के साथ में किसान भाइयों, टायर्स की अगर हम बात करें तो 14, 9, 28 के ऑप्शनल टायर इस ट्रैक्टर में प्रोवाइड होते हैं, यानी कि 50 हॉर्सपावर श्रेणी में 14, 9, 28 के टायर ब्रेक में आपको प्रोवाइड होते हैं। अब बात करते हैं पीछे के साइड की, तो पीछे की साइड में 3 लिंकेज हाइड्रोलिक पॉइंट्स आपको इस ट्रैक्टर में प्रोवाइड होते हैं, जहाँ से आप किसी भी इंप्लीमेंट पर अपने अकॉर्डिंगली सेंसिंग ले सकते हैं। 2 ऑक्सिलरी वॉल प्रोवाइड होते हैं, यानी फिर 2 ऑक्सिलरी वॉल जहाँ से आप प्लाव वगैरह को आप
अटैच करके चलाना चाहें तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हेवी साइड पैक प्रोवाइड होते हैं इंप्लीमेंट्स को अटैच करने के लिए। पीछे की ओर यहाँ पे 5 ईयर की वारंटी और विश्वसनीय टेक्नोलॉजी वाली सील मिलती है। यहाँ पे टूल बॉक्स का ऑप्शन इस ट्रैक्टर में प्रोवाइड होता है। पोर्टल पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम मीटर्स की। मीटर्स में यहाँ पे नॉर्मल ट्रैक्टरों की तरह इसमें भी यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेशंस, टेम्परेचर्स और यहाँ पे पावर बटन्स और मीटर्स मीटर और मिनट्स हावर्स का यहाँ ऑप्शन मिलता है। इस साइड में लो हाई गियर बॉक्स प्रोवाइड होता है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर के साथ ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर ऑक्सिलरी वॉल सिस्टम यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है जहाँ से आप प्लाव वगैरह को पलटी करवा सकते हैं। पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर भी इस साइड में आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलते हैं। वहीं पीटीओ की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में 32.3 किलोवाट की पीटीओ पावर मिलती है, यानी कि 43 HP की इसमें पीटीओ आप सभी किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर में प्रोवाइड होती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसमें पीटीओ की, तो पीटीओ में अगर हम बात करें तो कौन कौन से टाइप्स मिलते हैं, तो इसमें रिवर्स पीटीओ और लाइव पीटीओ आपको इसमें प्रोवाइड होती है जहाँ से आप यहाँ से इस पर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये फार्म ट्रैक 45 जो 50 हॉर्सपावर श्रेणी में क्लासिक प्रो मॉडल आता है, इसकी जानकारी की वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसी लगी हमें एक प्यारा सा कमेंट्स करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल पर भी नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज आप सभी किसान भाइयों के लिए लाता रहता हूं।